दोस्तों आज की इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मैं एक पेटी आया हुआ है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बेचने से आपको कितना फ़ायदा होगा। और ये बिजनेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने वाली चीज़ है, इसको लोग खाते ही खाते हैं, इसके बगैर किसी का भी काम नहीं चलता है। हर घर में इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो गरीब है अमीर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस जो बिजनेस को मैं आज बता रहा हूँ ये हर घर की ज़रूरत है। 1 रुपये की चीज़ बिकती है, 10 रुपये, 5 रुपये, मतलब बिल्कुल कम पैसे से आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस मैं आपको दे रहा हूं जो अभी तक आपने नहीं किया होगा। और इसको पहले प्लान को समझ लीजिए कि इसको आपको करना क्या है। ये पेटी मैंने मंगवाया है और खास करके मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि मैं कम पूंजी से एक ऐसा बिजनेस आइडिया देता हूं जो पूरे YouTube में नहीं होता या फिर कोई नहीं दिया होता है। मेरे पास 2 पेटी आई है और दोनों पेटी को आप ध्यान से देखिएगा। पहला पेटी मैं इसको खोल रहा हूं, दिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है और आप कितने में बेचेंगे और कितना में आप खरीदेंगे, इसमें से कितना पीस निकलेगा, सारा कुछ अपने वीडियोस में क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद से एक और पेटी है, मैं उसको भी दिखाऊंगा कि उसमें कितने पीस हैं और आपको क्या फायदा होगा और किस तरीके से आप बेचेंगे, तब जाके आपके कस्टमर खरीदेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूं कि हर घर की जरूरत है, लोग इसको खाते ही खाते हैं, 90% तो लोग इसको खाते ही खाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि करना क्या है आपको। तो एक लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से एक नया से नया कॉन्टेंट आपको देता हूँ जो कोई नहीं देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसको मैं खोल रहा हूँ, अभी मैंने चाकू से काटा ही था, इसको मैं खोल रहा हूँ और खोल करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या है और आपको इसको कैसे बेचने हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये पेटी पूरी भरी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके दिखा देता हूँ, आप ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें से मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए इसको बोलते हैं रस। भागिएगा मत, घबराइएगा मत, मैं बता रहा हूँ, उसको पहले सुनिएगा कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं रस, यानी सूखा बोलते हैं, कोई केक बोलता है, कुछ अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये जो पेटी है ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको लोग सुबह खाते ही खाते हैं। और इसका जो बेचने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सस्ता, मतलब आपको मिलेगा और आप बहुत अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, मतलब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो पेटी है मैंने मंगवाया है 260 रुपये का, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, कोई गलत बात नहीं, कोई झूठ बात नहीं, 260 रुपये की इस पेटी को मैंने मंगवाया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कितने पीस निकलेंगे, क्योंकि हर जगह अलग अलग राज्य अलग अलग जगह पे इसका जो है अलग अलग साइज होता है ना। लेकिन जो मेरे यहाँ है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि इसमें कितने पीस निकल रहे हैं। मैं गिनती कर देता हूँ फटाफट, 1, 2, 3, 4 है ना, 5, ये देखिए 6, ये 7, ये 8 है ना, ये 9, ये 10 है ना, ये 11, ये 12, ये हो गया 13, ये हो गया 40, 50 और 60, पूरे 16 पीस इसमें निकले हैं, यानी पूरे 16 पैकेट निकले, इस तरीके से पूरे 16 पैकेट इसमें से निकले हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 260 का ख़रीदा है, 260 में यदि आप मतलब कि मतलब भाग देते हैं 16 से, तो 16 दहा में 160 होता है और 16 पचे 50, 16 छक्के 90, ठीक है, 16 छक्के 90 यानी 16 रुपये, राइट, 16 रुपये का एक जो है ये पैकेट मुझे मिला है, 16 रुपये का। मैं होलसेल से लेकर आया हूँ, यदि आप इसकी फैक्ट्री के पास जाते हैं, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे नज़दीक है आपका, अगर वहाँ पे जाते हैं तो और भी सस्ता आपको मिलेगा। मैं होलसेलर से लेकर आया हूँ जहाँ पे मुझे 16 रुपये का मिला है। अब दिक्कत ये है और प्रॉब्लम समझने वाली बात यह है कि आपको इसमें बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है। जैसे मैं होलसेल से लाया हूँ, यदि आप भी चाहें तो होलसेल से लेकर आ सकते हैं, और होलसेल से लेकर आएंगे तो यही 15 या 16 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 18 में सेल करते हैं आराम से हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 18 में आप किसी को देते हैं, मतलब घर घर में बेचते हैं, कहने का मतलब है दुकानदार को देंगे तो वो तो फिर आपसे वही कहेगा ना कि भाई उस होलसेल से तुम लाए हो तो मैं वहाँ से भी ला सकता हूँ, मैं आपसे क्यों लूँ। तो आप इसको चाहें तो घर घर इसको बेच सकते हैं, ऑटो है, रेडी है, ठेला है, बाइक है, मतलब जिस तरीके से आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप इसको दुकान है आपके पास, अगर आप इसको फुटकर में बेचते हैं, चाय की दुकान है या फिर कुछ भी है, अगर यदि आप उसको फुटकर में देते हैं, मतलब फुटकर में ये इसमें 30 पीस होते हैं, है ना, इसमें 30 पीस होते हैं, तो 1 रुपये का एक पीस बिकता है फुटकर में। तो आप इसको 16 में ख़रीदा, आपने 18 में दिया, अगर आपने 15 में ख़रीदा तो 17 में दिया, आप देख लीजिएगा, 1-2 रुपये अगर एक पीस भी मिल रहा है
तो इसमें आप समझ लीजिए गत्ता है ना, गत्ते पे ज़्यादा मिलता है, 30-40 रुपये, 32-30 रुपये ऐसा कुछ करके मिल जाएगा एक गत्ते में। तो आप दिन भर में पता नहीं कितना गत्ता सेल करेंगे, कितने इसके डिमांड है, इसका डिमांड रोज़ सुबह होता ही होता है, ठीक है। तो एक तो आइडिया ये है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, आपको फ़ायदा लगे, प्रॉफिट लगे, आप उस तरीके से इसको बेचिएगा। अब मैं दूसरा जो पेटी खोलने वाला हूँ उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या है और उसके लिए आपको क्या करना होगा। चलिए हम दिखाते हैं और फिर बताते हैं आपको। इसको मैं इधर रख देता हूँ साइड में, है ना, और इसको मैं खोलता हूँ इस पेटी को, ठीक है। इस पेटी को खोल करके मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मैं जानकारी पूरा देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा सुन लिया और आपने फिर वही फंसने वाला काम करेंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी दूँ बिल्कुल जेन्युइन दूँ, बिल्कुल सही हो और आप उसको बड़े ही आराम तरीके से उसको कर सकें, ठीक है। तो इसको ज़रा खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं इसको खोल ही देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने पीस हैं और आपको क्या करना होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी यार, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं जानकारी आपको पूरा देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी चक्कू भी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, खैर कोई नहीं। ये देखिए, ये जो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो पीस मतलब वो है पार्ले जी का गत्ता है, घबराइए मत, पाँच वाली जो पार्ले जी बिस्किट आती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पाँच वाली जो पार्ले जी की बिस्किट आती है, ये वही चीज़ है। अब आपको इसमें कितना कमाई होता है और आप इसको किस कैसे बेचेंगे और इसमें क्या प्रॉफिट होती है और इस गत्ते में आप मतलब कितने पैक आपको मिलते हैं, कितने पीस मिलते हैं। बहुत से मेरे नए दोस्त हैं जो दुकान किए हुए हैं या फिर उनको नहीं पता है, ये उनके लिए ध्यान सुनेगा। देखिए सबसे पहले मैं गिनती कर देता हूँ, एक है ना, ये हो गया दो, दो ये हो गया तीन, है ना, तीन चार, चार ये हो गया पाँच और ये हो गया छः, ठीक है। अब देखिए मेरा डब्बा खाली हो गया, यानी छः पैक इसमें है, छः पैकेट इसमें है। तो मैं आपको गिनती करा देता हूँ, जो ये पैकेट है ये कुछ इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब छः लाइनें, मतलब एक बिस्किट का जो पैकेट होता है जो पाँच रुपये मिलता है, उस तरीके से छः मतलब छः है ये, मतलब एक लाइन में छः है, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24 24 मतलब एक पैकेट में 24 पीस बिस्किट का होता है और एक बिस्किट जो है पाँच रुपये मिलता है, ठीक है, एक बिस्किट पाँच रुपये मिलता है। तो आप अब देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स पैकेट हैं, सिक्स पैकेट यानी 6 × 24 मतलब जो भी बन रहा होगा उतने पीस इसमें आया हुआ है, ठीक है, उतने पीस आया हुआ है। और ये मुझे मिला है 620 रुपये का, राइट, 620 रुपये का मुझे एक बॉक्स मिला था, एक पेटी मिला था ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है वरना मैं आपको बताता इसको, तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि मुझे कितना मिलता है अगर मैं फुटकर में इसको बेचता हूँ तो कितना मिलता है। अगर आपको इस तरीके का बिजनेस करना है कि मतलब होलसेल में देना है, तो आप चाहें तो मतलब बहुत छोटे छोटे घुमती जहाँ होते हैं नुक्कड़ पे, दुकान पे, चौराहे पे, तो आप उनको एक एक दो दो पैकेट आप दे सकते हैं। वैसे गत्ता तो वही लोग लेते हैं जो मतलब थोड़े बड़े दुकान हो चुके हैं, वो गत्ता मंगाते हैं, दो दो तीन तीन गत्ता मंगाते हैं, लेकिन जो फुटकर में मतलब बेचते हैं उनको आप दो दो पैकेट, तीन तीन पैकेट आप दे सकते हैं। अगर आप मतलब 10 पेटी भी बेचते हैं तो आपका दिहाड़ी अच्छा खासा आपका निकल जाता है, ऐसा मेरा मानना है, मैं जानता हूँ निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कमाई नहीं होती है, सिर्फ इसको लेके मत जाइएगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप पार्ले जी बिस्कुट को लेके जाइएगा, पार्ले जी बहुत ब्रांडेड कंपनी है, इसीलिए इसमें कमाई भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलता है यार, मतलब पुष्टिक आहार जो होता है बोल सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा ये बिस्किट है, ठीक है। तो इसमें कमाई थोड़ी कम होती है लेकिन अच्छा चीज़ है, तो आप इसको मत लेके जाइएगा, साथ साथ और भी आइटम को आप रख लीजिएगा और रख करके आप इसको बेचिएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इसमें कमाई कम होती है लेकिन इसको आप लेके जाएंगे तो कोई आपको फेल नहीं करेगा, ये ब्रांडेड कंपनी है, नामी कंपनी है, अच्छा इसमें प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी आप लेकर के जा सकते हैं। तो दो चीज़ मैंने आपको दिखाया, दोनों को चाहे तो साथ में लेके जा सकते हैं, चाय और सॉरी ये सूखा जिसको बोलते हैं रस, ये और ये बिस्किट, ये दोनों सुबह नाश्ते में लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस दोनों प्रोडक्ट को ले आकर बेच सकते हैं। मैंने आपको रेट भी बता दिया कि कितने मैंने खरीदा था दोनों पेटी, आपको पता लग गया होगा। आप चाहें तो इसको ऑटो पे, रेडी पे, ठेले पे, बाइक पे, साइकिल पे, जो भी आपके पास साधन है उस पे आप इसको रख करके आप बड़े आराम तरीके से बेच सकते हैं, ठीक है। गांव-गांव घूम करके बेचेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे यहाँ मैंने देखा है लोगों को ऐसे करके घूमते हैं, बेचते हैं, तो आप चाहें तो इसको बेच सकते हैं, ठीक है दोस्त।
तो यही कुछ आइडियाज़ था, मैंने आपको सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका मैं होलसेल रेट आपको बताने वाला हूँ कि आप मेरे को कितना मिलता है और उसमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना आपको मार्जिन मिलता है, सब कुछ मैं अपने वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।